हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोमवीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोमवीर एंड मनीष एंड कनाडा। तो हम आज एक बहुत हॉट टॉपिक लेके आए हैं जो काफी लोगों ने हमसे पूछा है कि कौन सी सिटी अल्बर्टा में आज की डेट में 2024 में मूव करने के लिए बेस्ट है, कैलगरी या एडमंटन। तो आओ ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पांच चीजें एनालाइज करेंगे जिससे आप एक बहुत इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए कि आपके लिए कौन सी सिटी बेटर। पहला फैक्टर जो हम एनालाइज करने वाले हैं वो है जॉब वैकेंसीज और सैलरीज। तो अगर हम कैलगरी और एडमंटन को कंपेयर करें तो आप देखोगे कैलगरी एक कॉरपोरेट हब की तरह देखा जाता है जहाँ पे फाइनेंस की या फिर टेक की जॉब्स आपको मिल जाएंगी। तो आप उस तरीके की अगर जॉब सेक्टर में, तो आपके लिए बेटर बेट होगा टू गो टू कैलगरी। लेकिन आप ऑन दी अदर हैंड अगर आप एडमंटन को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में या हेल्थ केयर सेक्टर में ज़्यादा आपको जॉब्स मिल जाएंगी। अब आते हैं सैलरीज पे। ऑफकोर्स कैलगरी में सैलरीज थोड़ी हायर है, बट हम आगे देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि एडमंटन में थोड़ा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा चीपर है, तो उसके वजह से आप वो आप डिफरेंस आप देख सकते हैं। पे जो है हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, अगर आप कैलगरी एडमंटन को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कैलगरी थोड़ा एक्सपेंसिव है एडमंटन से। कैलगरी में जो एवरेज होम प्राइसेस हैं आज की डेट में अराउंड 550,000 के आसपास है, और एडमंटन में वहीं आप देखेंगे कि अराउंड 400,000 से 450,000 का फर्क है, तो अराउंड 20% का फर्क है, तो एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर आप अगर आप रेंट के हिसाब से भी देखेंगे तो रेंट में भी काफ़ी फर्क मिलेगा। अगर आप वन बेडरूम डाउनटाउन में देखेंगे तो अराउंड $1,400 से ज़्यादा का ही आपको कैलगरी में मिलेगा, वेयर एज एडमंटन में यही आपको वन बेडरूम अपार्टमेंट अराउंड $1,100 से लेकर $1,200 तक का मिल जाएगा। थर्ड फैक्टर हम कंसिडर करने वाले हैं वो है एंटरटेनमेंट। जब मैंने इन दोनों सिटीज को एनालाइज किया तो मैंने देखा कि दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, बस डिफरेंस ये है कि अगर आप नाइट लाइफ में इंटरेस्टेड हो तो कैलगरी वुड बी अ बेटर चॉइस फॉर यू। आप देखते हैं माउंटेन्स की जो प्रॉक्सिमिटी है, कैलगरी बैंक से अबाउट 1 घंटा दूर है, जबकि एडमंटन जैस्पर और बैंक से अराउंड 3 से 4 घंटे दूर है, तो वो एक डिफरेंस है। बाकी बहुत ज़्यादा कोई एंटरटेनमेंट में डिफरेंस नहीं है। फोर्थ पॉइंट पे वो है सेफ्टी। अब कोई भी यहाँ पे अपनी अगर फैमिली स्टार्ट करना चाहता है इन सिटीज़ में तो वो ज़रूरी है कि वो देखेगा कि सेफ्टी कैसी है। तो मैंने थोड़ा डेटा एनालाइज किया, मुझे पता चला कि कैलगरी में जो क्राइम रेट है वो है 6500 इंसिडेंट्स पर 100,000 पीपल, जो कि अबाउट 6.5% का चांस है कि आप किस इंसिडेंट में इन्वॉल्व होंगे, पर ज़रूरी नहीं है कि इंसिडेंट बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होंगे। एडमंटन में जो क्राइम रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, 7500 इंसिडेंट्स पर 100,000 पीपल, जो कि है 7.5। लेकिन अगर आप अपनी कम्युनिटीज़ के साथ इन्वॉल्व हैं और सेफ्टी मेजर्स आप प्रिकॉशंस अपने यूज़ करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी अपनी रिसर्च करें और कौन सा एरिया आपके लिए बेटर होगा उसकी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। बातें हमारे फिफ्थ टॉपिक पे जो है एजुकेशन। तो एजुकेशन टू प्रॉन्ग्ड है, पहला है हायर एजुकेशन, दूसरा है K-12। तो अगर जिसके किड्स हैं वो फ्यूचर में स्कूल में जाने वाले हैं तो उनके लिए K-12 बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैंने एनालाइज किया, मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा K-12 में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के अपने खुद के स्कूल बोर्ड्स हैं EPS या फिर CPS, और बहुत ज़्यादा उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ कमिंग टू हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में आप देखेंगे वहाँ पे सैथ है कैलगरी में, और एडमंटन में नायथ है, और एडमंटन में आप देखेंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है जो कि बहुत वेल रेटेड है, 110 नंबर पे आते हैं QS वर्ल्ड रैंकिंग्स में। अगर आप कैलगरी में देखेंगे तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है, वो थोड़ा यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा से पीछे है, बट मैं बोलूँगा कि इस पॉइंट पे मुझे बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं मिला है। सो विच सिटी इज़ बेटर टू मूव, कैलगरी और एडमंटन? मैं बोलूँगा कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी पड़ेंगी। अगर आपको थोड़ा चीपर अफोर्डेबल सिटी चाहिए तो आई वुड से एडमंटन इज़ द बेटर चॉइस, लेकिन आपको एक हसलिंग बसलिंग बिजनेस एनवायरमेंट चाहिए तो कैलगरी वुड बी अ बेटर चॉइस। बट रिगार्डलेस आप किसी भी सिटी में जाते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको अपने घर की जरा देखो, मेक इट योर होम एंड एंजॉय इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चंस ऑफ योर्स। तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार, बाय बाय, चीयर्स।